अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे आईजीएम की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और एनग्रेवर की पोस्ट के ऊपर निकाली गई है। चलिए एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। गाइस यहाँ पे ये भारत सरकार टकसाल यानी कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आगे देख लेते हैं इस वैकेंसी की डिटेल्स। तो आप कब से कब तक पहले तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे 7 मई से लेकर के 7 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस पेमेंट की भी डेट यही रहने वाली है। यहाँ पे जून जुलाई के अंदर आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स जान लेते हैं। तो एनग्रेवर लेवल B4 की जो यहाँ पे वैकेंसी है उसमें एक स्कल्पचर की पोस्ट निकाली गई है और 2 मेटल वर्क की पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे तो 23,910 से लेकर के आपकी जो सैलरी रहेगी वो 85,570 रुपीज रहने वाली है। एंड उसके अलावा भी आपको अदर अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो की आपकी यहाँ पे 7 जून 2022 को फुलफिल होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स में ली हो या तो स्कल्पचर के अंदर या फिर मेटल वर्क के अंदर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 ईयर्स यहाँ पे गिवन है। आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। दूसरी यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की Level B3 की पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो 4 यहाँ पे रिलीज की गई है। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 21,540 से लेके 77,160 तक आपकी रहेगी। अदर अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिलेंगे। बात करते हैं गाइज यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट की हो किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हैं तो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, और हिंदी के अंदर करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपसे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। एज लिमिट सेम ही रहेगी 18 से 28 ईयर्स, और यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जाम होगा। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस 600 रुपीज यहाँ पे रहेगी इंक्लूसिव GST चार्जेस, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 200 रुपीज यहाँ पे इंटीमेशन चार्जेस पेमेंट करनी पड़ेगी। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया आप लोग 7 जून तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे 7 जून लास्ट डेट रहेगी। और अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो ये वेबसाइट गिवन है www.igmkolkata.spmcil.com, इस पे जाकर के आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं 7 जून से पहले। होप सो गाइस सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CPS, स्टेट PSC, UGC, NET, IIT, JEE, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।